औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का एहसान है। दोस्तों मैं आया हूँ ज़िला चकवाल, तहसील कलर कहार, मौज़े का नाम है भोंड। इधर एक इंतहाई शानदार 28 कनाल रकबा है मेरे पास। ये आप देख सकते हैं, ये एक ही पट्टी है, वो सामने सरकारी रास्ता है, उसके साथ इसका फ्रंट है। बिजली यहाँ मौजूद है। टोटल रकबे के अंदर जो गंदम लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी गंदम लगी हुई है। तो एक ही पट्टी है 28 कनाल की, टोटल मालकीती है, बिजली यहाँ मौजूद है, जेरे ज़मीन पानी नज़दीक भी है और मीठा भी है। ये करीबी ऊपर एक डेरा बना हुआ है, ये सामने इसमें बड़ी मोटर लगी हुई है, बड़ा बोरिंग लगा हुआ है, और पानी जो है वो नज़दीक है और मीठा पानी है। ये इस साइड से इसकी यादमंदी जा रही है, वो पीछे तक, ये इस रकबे का जो है वो फ्रंट बैक साइड है, वो पीछे तक वहाँ तक, उस साइड से वो ये जो झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये इस रकबे की हदबंदी जा रही है, और वो सामने इसका फ्रंट है। इस साइड पे देखें तो ये सामने पोल लगा हुआ है, साथ ही ये डेरा बना हुआ है, तो बिजली यहाँ मौजूद है। बाकी जो ज़मीन की मिट्टी है वो भी मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ, ये चेक करें, बिल्कुल भी इसमें रेत नहीं है, रेतली नहीं है, काली मिट्टी है, बहुत अच्छी फसल देने वाली जगह है। ये इसमें गंदम भी आप देख लें, बहुत प्यारी गंदम लगी हुई है, बहुत अच्छी लोकेशन पे ये जगह है। अब मैं आप दोस्तों को इसका रास्ता भी चेक करवाता हूँ। ये आगे तक आपने इसको विज़िट कर लिया, अब मैं आप दोस्तों को इसका रास्ता विज़िट करवाता हूँ। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलता रहे। तो इस साइड पे ये इसकी हदबंदी जा रही है, रास्ते वाली साइड पे, इस साइड पे भी ये ऊपर एक डेरा बना हुआ है, इस साइड पे ये भी बना हुआ है, इससे आगे भी काफ़ी बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी बैक साइड पर भी एक डेरा बना हुआ है, काफ़ी डेरे बने हुए हैं करीब करीब, और जो मौज़िया भोंड की आबादी है वो यहाँ से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दूर सिर्फ आबादी है, वहाँ पे गैस भी मौजूद है। जो रोड है इसका कच्चा, वो सिर्फ 0.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, लेकिन सरकारी रास्ता है। यहाँ से अगर बलकसर इंटरचेंज की बात करें, तो बलकसर इंटरचेंज यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर है, भोंड से डायरेक्ट बलकसर इंटरचेंज यहाँ से 12 किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, और जो चकवाल कलर कहार रोड है वो यहाँ से 3 किलोमीटर है। और अगर बात करें कलर कहार इंटरचेंज की, तो कलर कहार इंटरचेंज यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, वो तकरीबन 15 किलोमीटर है। तो अब मैं आप दोस्तों को इसका ये जो रास्ते के साथ फ्रंट है वो भी चेक करवा दूं, वहाँ तक इसका फ्रंट है, ये जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं ये इसकी हदबंदी पे है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका रास्ता है, सरकारी रास्ता है, रास्ता चौड़ा है, 30 फुट का है, लेकिन ये झाड़ियाँ वगैरह साइडों से लगी हुई है, जितना ज़रूरत है इतना ही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी ये रास्ता चौड़ा है, 30 फुट का रास्ता है। ये साथ घर बना हुआ है, इसके साथ पोल लगा हुआ है, बिजली यहाँ मौजूद है, इस डेरे पे बिजली लगी हुई है। इस साइड से भी मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, ये साइड इसकी भोंड साइड है, यहाँ से सिर्फ 0.5 किलोमीटर ये कच्चा है, उसके बाद ये कारपेट रास्ता आ जाता है, वो सामने आप देख सकते हैं, और ये जगह एक की पट्टी है बेहतरीन, ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट है,
आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों इसके रेट की बात करते हैं। इसकी जो ऑफ़र नहीं, इसकी जो डिमांड नहीं है, इसका फाइनल रेट है वो है 3.5 लाख रुपए पर कनाल। 3.5 लाख रुपए पर कनाल इसका फाइनल रेट है। जिस भाई को चाहिए वीडियो के अंदर मेरा नंबर मिल जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसको ले कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इस चैनल का भी। तब तक अल्लाह हाफिज़।